और इस तरह से हर चीज़ पर मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं ताकि कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। और विधायक आवासन योजना अंतर्गत 243 विधायकों के लिए आवास बनाए जाने हैं, उसमें से अभी करीब 65 आवास पूर्ण हो चुके हैं और इसमें से आज माननीय मुख्यमंत्री इसका एक कहिए कि उद्घाटन इन्होंने किया है और अब प्रतीकात्मक रूप से 11 विधायकों को आवास आवंटित करने किए जाएंगे और उनको चाबी दी जाएगी। तो देखिए जो जो यहाँ का दृश्य है वो दृश्य भी आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है और भारी संख्या में लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए, यहाँ पे विधायक आए हुए हैं। विधायकों के चेहरे पर भी खुशी है कि उनके लिए जो आवास की समस्या थी उस समस्या का लगभग निराकरण अब धीरे धीरे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जनता है, जिस आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था अपने जनप्रतिनिधि का आवास खोजने के लिए, उनको पटना के बेली रोड से लेकर राजवंशी नगर तक, बीरचंद पटेल से लेकर के हवाई अड्डा तक वहाँ उनको जाना पड़ता था, तो उससे एक तरह से उनको अब निजात मिल जाएगी। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति आएगा तो वो उसे आवास खोजने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और वो आराम से अपने विधायक का आवास देख सकता है। तो अब देखिए कि मुख्यमंत्री मुआयना कर करके निकल रहे हैं और उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं और ये सभी लोग हैं यहाँ पे, और मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री इस तरह से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर लिया है नए भवन का। और अब प्रतीकात्मक रूप से वो 11 विधायकों को चाबी सौंपेंगे और इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो एक यह ड्रीम प्रोजेक्ट था वह पहले फेज में पूरा हुआ है। लगभग 65 विधायकों को आवासीय विधिवत मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इन सभी सुख सुविधाओं से, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस माननीय विधायक गण हेतु तैयार आवास राज ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री सीधे मंच पर हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये अब विधायकों के लिए चाबी सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ये चाबी सौंपा जाएगा। यहाँ पे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, अति मुख्य विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं और सबसे पहले अलौली विधानसभा के जो सदस्य हैं राम वृक्ष सदा, उन्हें आवास आवंटित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री उन्हें चाबी सौंप करके कार्यक्रम के शुरुआत करेंगे। तो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और राम वृक्ष सदा मंच पर पहुंच चुके हैं, अब उन्हें मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं। और राम वृक्ष सदा जो अलौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं उनको चाबी सौंपा गया है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये एक दर्जन
किशनगंज के विधायक हैं इजहारुल हुसैन, उन्हें अब चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। रामवृक्ष सदा को सौंपा गया, इजहारुल हुसैन आ रहे हैं मंच पर, अब उन्हें चाबी सौंपा जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये 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 मुख्यमंत्री ने बात कर रहे हैं विधायकों से और कह रहे हैं कि बीच में आकर के वो इसको देखेंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं किशनगंज के विधायक हैं इजहारुल हुसैन। अब ये किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं इजहारुल हुसैन, और इन्हें भी ये चाबी सौंपा गया है। ये बेहतर सुल्तानगंज, बहुत बहुत ये सुल्तानगंज के विधायक हैं, इन्हें भी चाबी सौंपी जा रही है। तो ये ललित कुमार मंडल हैं, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, और मुख्यमंत्री चाबी समर्पित की। शंभुनाथ यादव 193 ब्रह्मपुर बक्सर से ये विधायक हैं, और इन्हें चाबी सौंपी जा रही है। शंभुनाथ यादव जी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। ब्रह्मपुर से आप विधायक हैं। श्री रामबली सिंह यादव जी, माननीय विधायक जहानाबाद के घोसी विधानसभा से हैं। रामबली यादव विधायक हैं। माननीय श्री रामबली सिंह यादव, बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय मुख्यमंत्री रामबली सिंह यादव उनको घोसी से विधायक हैं 217 जहानाबाद के घोसी से 217 विधायक हैं। रणविजय साहू हैं, और ये रणविजय साहू जी माननीय विधायक मोरवा से हैं, सारण से। और माननीय श्री हरिशंकर यादव जी 108 माननीय विधायक रघुनाथपुर। हरिशंकर यादव हैं माननीय विधायक रघुनाथपुर, उनको भी सौंपा जा रहा है। क्योंकि रघुनाथपुर ये सिवान जिले से हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इन्हें अरुण सिंह हैं माननीय विधायक हैं काराकाट से, भाकपा माले के विधायक हैं, और इन्हें भी चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये काराकाट से विधायक हैं भाकपा माले के अरुण सिंह जी, इनको भी चाबी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आसन ग्रहण करेंगे, और सभी माननीय विधायक आत्मादेवी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपने चाबी प्राप्त किया है, तो आप सभी को बहुत बधाई। और अभी आग्रह करेंगे सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी की, इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 2 पुस्तकें तैयार की गई है, भवन निर्माण विभाग की ओर से यह भेंट की जाएगी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट। अरे अब थोड़ा हटोगे, कुछ बाइक उठ लेना है। 2 पुस्तकें हैं संस्कृति की, आगे जाएंगे दोगे और लोकराज के लोक नायक, यह 2 पुस्तकें हैं। और उसके बाद पुनः अनुरोध माननीय अध्यक्ष प्रतीक चिन्ह स्वरूप 2 पुस्तकें। ठीक ठीक है, बहुत बहुत आभार से माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को। ठीक है, माननीय मंत्री माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है, 2 पुस्तकें भेंट की जा रही है। अब हाँ बिल्कुल, और अपने मंत्री माननीय भवन निर्माण विभाग के द्वारा 2 पुस्तकें सभी अतिथियों को दी गई है। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे यार देखो।